कोई जन सूताने कोई जान जागे बाई कोई जान जागे हरे बांदा कोई को करे रे कमाए जेरे सब जोगा सुता मेरो हाल क जागे खुदा वांद जागे सैयदा बोलिया फाजल शासवाई जेरे हम पर दे से बाए दो राथिया या बाए दो राजचला अल्लाह के आदे जानो मौला के आदे जानो के आहो से जिरे केणी पेरे साहिब मारो ले खाले से खालक घोनाब खुदान हाजरी माँ निजातुल मोमिनील वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम उल हुसैनी हाजरी माम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। दिनधारो तकरीबन दरेक मजहबी किताब के अंदर हर धार्मिक पुस्तक के अंदर इसमें भी खसूसन जो हमारे इस्लाम के जो मजहबी किताबें हैं कुरान पाक हदीस वगैरह का उस सब मजहबी पुस्तकों के अंदर हम जो इंसान है उन इंसानों को अलग अलग टाइटल से नवाजने में आया है अलग अलग लकब से हमको याद करने में आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक हमारा लकब देने में आया है टाइटल देने में आया है इंसानों को हम मनुष्यों को कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अशरफ यानी हाईएस्ट और मखलूक यानी वर्ल्ड कि इंसान हमको ये नाम से भी बुलाने में आता है कि अशरफुल मखलूकात कि हमारा जो दर्जा है वो इस दुनिया के अंदर खुदावंद ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की है चरिंदे परिंदे ये एनिमल्स वनस्पति ट्रीज प्लांट्स वगैरह उन तमाम के अंदर इंसानों को खुदा ने कहा कि वो अशरफ है वो आला है वो ऊंचा है। ऐसे एक और लकब हमें देने में आया है हम इंसानों को हैवान आकिल हैवान कहते हैं एनिमल को जानवर को और आकिल यानी अकलमंद के अकल राखवा वालों जानवर जानवर हम भी हैं लेकिन थोड़े मॉडर्न हम जानवर हैं एनिमल हैं वो जानवर सोच नहीं सकता है हम लोग सोच सकते हैं। तो हमको कहने में आया हमको लकब टाइटल देने में आया कि भाई इंसान वो हैवान आकिल है कि अकल रखवा वालों एक हैवान है। ऐसे एक तीसरा टाइटल हमें देने में आया है और उस टाइटल का उस लकब का नाम है कि अकल छूत
अकले जूस, जूस कहते हैं लिमिटेड थोड़ू, और अकल कहते हैं ज्ञान नॉलेज, कि इंसान बहुत थोड़ी अकल वाला है, बहुत थोड़े नॉलेज वाला है। हमको अकले जूस का भी एक लकब है कि इंसान अकले जूस है। लगता है कि हम थोड़ी अकल वाले होवे, बिंदारो आज दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाओ कि ये थोड़ी अकल वाले इंसान ने दुनिया में कितना प्रोग्रेस किया है और कितना साइंस के अंदर आगे दौड़ता ही जा रहा है। आज अमेरिका, कनाडा और जो एडवांस कंट्रीज है उसमें जाओ तो अकल काम नहीं करती, कर शुरू है। और इसी के लिए शाह करीम आज इमाम ने थोड़ा इशारा किया था ने कि कदाच इंसान जो है वो अपने आप को वो क्रिएटर समझने न लग जाए कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तुम क्रिएट करने वाले नहीं हो, तुम तो सर्जन हो, खुदा का सर्जन तो वो है। तो कितना इंसान की जो अकल है वो दौड़ रही है, फिर भी हमको कहने में आया कि लिमिटेड नॉलेज वालों, इंसान तो कहा अकले जुज, तो ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, हमारे अंदर हर किस्म का नॉलेज दिया है, जो मैंने आपको बताया कि हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, हर किस्म का, हर किस्म का। लेकिन एक नॉलेज, एक ज्ञान हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है, बहुत थोड़ा देने में आया है। इसके लिए हमको कहने में आया कि अकले जुज। तो कौन सा ज्ञान हमको थोड़ा देने में आया? सूरे बनी इसराइल चैप्टर का नाम देता हूं, कुरान की सूरत, कुरान का चैप्टर सूरे बनी इसराइल और आयत 85 में आयत। देखो इसमें जवाब आता है कि हमको कौन सा नॉलेज थोड़ा देने में आया है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने, कह दे इन लोगों को, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने, जे लोको तने आत्मा ना रू ना बारा मा क्वेश्चन करे छे, सवाल करे छे। हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो, इनको सवाल पूछने में आया कि यार रसूल खुदा आत्मा शू छे, रू क्या है? तो रसूलुल्लाह तो सोचने पड़ गए, भाई कोई मटीरियल चीज के बारे में पूछे तो बतावे ना, कोई किताब के बारे में पूछे कि नहीं बाइबल क्या है, तो देखो ये बाइबल है। कोई सिटीज के बारे में पूछे, कोई ट्री के बारे में पूछे, तो मटीरियल चीज के। अब ये तो एक ऐसी चीज के बारे में सवाल पूछने में आया, फिर इसका कोई फिजिकल फॉर्म ही? तो कहा आत्मा क्या है या रसूल खुदा? तो थोड़ा सोच में पड़ गए, तो फौरन अल्लाह ने ये आयत नाजिल की सूरे बनी इसराइल की 85 में, के कही दे ए मोहम्मद जे लोको तने आत्मा ना माटे सवाल करे छे, एने कही दे के आत्मा मारा अल्लाह नो हुकम छे, रूह मेरे खुदा का अम्र है, अने ए पण कही दे के आत्मा माटे तमो इंसानों ने बहु लिमिटेड नॉलेज आपवामां आव्युं छे, रूह माटे तमने बहु थोड़ू ज्ञान आपवामां आव्युं छे, रूह के लिए हमको बहुत थोड़ा नॉलेज देने में आया है। बाकी दुनिया का बहुत नॉलेज हमारे पास है, लेकिन ये आत्मा की जो बात है ने, रूह और सोल की बात है ना दिनदारों, वो हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है। हमको कितना ज्ञान है आत्मा का, कितना ज्ञान है? हम पूछ लेंगे भाई पहलोता चलोता की, तो बोले पानी में रूह है ना, इतनी पहलोता चलोता, खाओता पियोता सुंगोता सुनोता, बराबर ने? मैंने पिछली राइज में थोड़ी दलील दी कि कान को काट के ले रेडियो के पास रख दो, वो सुनेगा, तुम दूसरे रूम में चले जाओ। नहीं, ये नाक को काट के परफ्यूम की बोतल पे रख दो, नहीं तुम चले आओ दूसरे कमरे में, तो कचेरा नाक वो स्मेल नहीं सुनेगा, राइट? डेड बॉडी हो गए उसको तुम मारो, वो कुछ बोलेंगे तुमको? नहीं, पड़ी है। मगर कभी रस्ते में रश के अंदर किसी को सा धक्का लग जावे तो बाई चढ़ावे, धक्को मारे तो, राइट? तो ये क्या था जिसको लगता है, ये क्या है जो स्मेल करता था, ये क्या है जो सुनता है, ये क्या है जो देखता है? तो हम कहेंगे कि रूह है ने, इसलिए। फिर आदमी मर जाता है, मर जाता है तो बोले भाई मरी हो, तो मरी हो कूड़ो मर, बोले ना अंगज में रूह ली हो, तो रूह ली हो किधर भी, बोले खबर है रूहानी दुनिया में मरा ली हो। बस इसके आगे हमको कुछ ज्ञान है आत्मा का? नहीं ना, लिमिटेड नॉलेज है। इसके लिए हर समय के अंदर, हर दौर के अंदर
अल्लाह ने अकले झूठ के सामने, थोड़ी अकल वाले के सामने हर समय में अपना एक मजहर रखा है, अपना एक स्वरूप रखा है, तो जिसको नाम देने में आया है अकले कुल। थोड़ी अकल वालों अकले झूठ, और उसके सामने अकले कुल। कुल मीन्स टोटली, और अकल मीन्स आपको कहा कि नॉलेज, टोटली नॉलेज जिसके अंदर होवे वो अकले कुल। सर्व प्रकार नु ज्ञान जेनी अंदर होए वो अकले कुल। तो वो अकले कुल जब से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, तो उसके साथ साथ में उसको भी रखा है, अपने उस मजर को भी रखा है, ताकि वो हर समय के अंदर, हर दौर के अंदर अल्लाह ने अकले झूठ के सामने, थोड़ी अकल वाले के सामने हर समय में अपना एक मजहर रखा है, अपना एक स्वरूप रखा है, तो जिसको नाम देने में आया है अकले कुल। थोड़ी अकल वालों अकले झूठ, और उसके सामने अकले कुल। कुल मीन्स टोटली, और अकल मीन्स आपको कहा कि नॉलेज, टोटली नॉलेज जिसके अंदर होवे वो अकले कुल। सर्व प्रकार नु ज्ञान जेनी अंदर होए वो अकले कुल। तो वो अकले कुल जब से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, तो उसके साथ साथ में उसको भी रखा है, अपने उस मजर को भी रखा है, ताकि वो अकले कुल जो है, जो बाबत का ज्ञान कम देने में आया है, या जो बाबत इंसान नहीं जानता है, वो अकले कुल इसको बता सकता है, अकले कुल। और हम दुआ के अंदर तीन टाइम पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व कुल कुल आया कुल शैन और सैना होफी इमाम मुबीन। हर प्रकार नो ज्ञान, हर प्रकार नो समावेश, चीज नो समावेश जाहिर इमाम नी अंदर करवामां आव्यो छे। मौलाना शाह सरकार सुल्तान मुशा मुबारक नाम के ऊपर सरत। देखो, हमको रूह के बारे में बहुत कम नॉलेज, इसके लिए हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरे को कोई बहुत ऊंची बात पूछे ना रूहानी दुनिया की, कहे तो मैं बोल भाई इनको नॉलेज मुझे ना है, हाँ जितना मैं जानता हूँ फरमान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, हाजिर इमाम के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट्स बन गए हुए उसकी रोशनी में, तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मगर जब तक वो फरमान जिनान कुरान हदीस और ये सब को छोड़ के अगर आत्मा के बारे में कोई अपनी अकल से समझाने की कोशिश करता है ना, तो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होते हैं। फरमान का रीडिंग रखो, कोई अलवाइस को मत पूछो रूहानियत के बारे में, आप ढूंढो फरमान के अंदर, आप ढूंढो आपको जिनान के अंदर मिलेगा, सुल्तान मुशा के फरमान के अंदर मिलेगा, आपको कुरान के अंदर जवाब बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इंसान जो अल्लाह ने फरमाया कि बहुत लिमिटेड नॉलेज आपको मालूम है, तो वो अपने अपने तरीके से, कोई बोलेगा हाँ रीबर्थ आए नहीं, कोई बोलेगा रीबर्थ ना आए नहीं, री इनकार्नेशन आए नहीं ना आए नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपनी अकल से बोलता है, वो फरमान की रोशनी में नहीं कहता है, वो कुरान की रोशनी में नहीं कहता है। तो मौलाना सरकार सुल्तान उषा मुबारक नाम के ऊपर सलात हो। मैंने एक फरमान नोट किया यहाँ पर अभी, मौलाना सरकार सुल्तान उषा एक मेहमानी के अंदर, रूहानी की मेहमानी है, और रूहानी की मेहमानी के अंदर मौलाना सुल्तान उषा फरमाते हैं मुंबई तारीख 26 दिसंबर 1883। देखो मौलाना सुल्तान उषा, ए भाई मारी हजूर में छे, वो भाई की रूहानी की मेहमानी रखी ली, ए भाई मारी हजूर में छे, अने तमे खातरी थी मानजो के आ भाई पोते मने मेहमानी करी रही छे। रूहानी की मेहमानी रखी हो भाई की कुटुंब वाले ने, फैमिली वाले ने, तो मौला कहता है ए भाई मारी हुजूर मा छे, अने ए भाई पोते मने मेहमानी करी रही छे, अने ए पोते अही हाजर पण छे, गणा गणा दुआसी साडा वदान सलवात करो मौला के नाम के ऊपर। तो ये किसने बताया, ये कौन देख सकता था कि भाई वो भाई जिसकी रूहानी की मेहमानी रखने में आई है, मौला कहता है वो खुद मेहमानी कर रही है, वो इस मेहमानी के अंदर हाजिर है, वो ये मेहमानी देख रही है। क्यों? पैगंबर और इमामों को ये शक्ति और ताकत है,
वो यहाँ रह के भी उस रूहानी दुनिया को और रूहों को देख सकते हैं। हाँ, इंसान को भी वो अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करे तो वो भी देख सकता है, लेकिन फिर उसको हुक्म करने में आया है कि तेरी जबान बंद कर दे। वो कहा ना कि गूंगे सपना पाया अने समझ समझ पछताए रे, तो हर अकले झूठ के सामने अकले कुल है जो हमको ये रूहानियत की बातें बताता है, जो हमको रूहानी दुनिया की बातें बताता है। मैंने डॉक्टर वालजी की कैसे सुनी, उसमें एक एक बनाव उन्होंने सुनाया कि हमारे इंडिया के मरहूम प्रेसिडेंट वजीर मकलाई, वो मेमानी के अंदर सुल्तान मुशा आने को देर थी, तो भाई कहती है कि वजीर साहब इमाम आवे ने तो मने तो आम घबराहट थे बोलवा, तमे इमाम ने पूछो ने मारो धणी छे ने खोवाई गयो छे, बहु वर्षो थी आ मरतो नथी। मकलाई पूछते इमाम सुल्तान मुशा, खुदा बिन ये भाई की अर्ज है, इसका खाविन बहुत वर्षों से नहीं मिलता है। माँ बोला सब तलाश किया, बोले हाँ खुदा बिन, भाई बोलते हैं सब तलाश किया, पेपर वगैरह में दिया। सुल्तान मुशा ने आँख बंद किया, आँख बंद करके फिर ऐसा देखते इधर देखते उधर देखते, और फिर माँ आप कहते मकलाई ये भाई को बोलो कि इसका जो खाविन है ना ये दुनिया में हयात नहीं है, वो रूहानी दुनिया में चले गए, वो वहां चले गया है। कौन बता दे, नहीं बता सके आपने? नहीं बोला, कहता है वो रूहानी दुनिया के अंदर चले गया है। ए ए मोहम्मद कही दे के आत्मा छे ए अल्लाह नो अम्र छे अने तमो इंसानो ने बहु ओछू नॉलेज आपवामां आव्युं छे। मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। 1966 के अंदर हाजर इमाम ईस्ट अफ्रीका की टूर के ऊपर थे धार्मिक कामकाज के लिए। 66 में मौलाना हाजर इमाम ने कुछ लिमिटेड अलवायजों को ऑडियंस दिया, पहले साथ में ऑडियंस दिया, फिर इंडिविजुअली भी थोड़ा टाइम दिया, सबको 10-10 मिनट दी। उसमें के एक अलवायज उसने मुझे कहा कि मिशनरी 1966 और किसुमु के अंदर मौलाना हाजर इमाम ने अलवायजों को ऑडियंस दिया। अलवायज कहते हैं कि मिशनरी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसा परेशान करते थे, जमात में से भी मेरे को बहुत पूछने में आता था, तो मैंने मौलाना शाह करीम हाजर इमाम को जब इंडिविजुअल मुलाकात दी ने तो मैंने मौलाना हाजर इमाम को पूछा कि खुदाविन एक सवाल बहुत पूछने में आता है जमात में से। मौला ने कहा कौन सा सवाल? तो अलवाइज कहते हैं खुदाविन पूछते हैं कि मौत के बाद आत्मा कहां जाता है, मरण के बाद आत्मा कहां जाता है, और हाजर इमाम ये भी पूछते हैं कि ये हम सब उसके पीछे सब कराते हैं, ये सब चीजें रखना, सभी रूहानी की दुआएं कराना, रूहानी की तस्बीहां निकालना, तो ये बराबर है, ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है? उसने कहा खुदाविन हम थोड़ा हमारी अकल से और जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी खुदाविन आप भी कुछ गाइडेंस दो। तो मौलाना शाह करीम हाजर इमाम ने कहा कि सवाल तो तूने ऐसा पूछा है कि बहुत टाइम निकले जवाब देने में, लेकिन मैं तेरे को शॉर्ट में खुलासा करता हूँ। और मौलाना हाजर इमाम ने फरमाया कि देख अलवाइज मौत के बाद, सुनना ये सब चीजें, मौत के बाद रूह अपने करने के मुताबिक 3 स्टेज के अंदर 3 दर्जे में चले जाता है। रूह अपने करने के मुताबिक 3 दर्जे के अंदर चले जाता है। मैंने गिनान का पाठ दिया, एजी कोई जन सूता, कोई जन जागे, अने कोई कोई करे कमाई। गिनान में पहले सूते ने लोग को लिया, फिर जागे ले, मैं फिर टॉप लेवल को तीसरी लाइन में लिया है कि कोई कोई करे कमाई। अभी सुना हाजर इमाम मिशनरी, एक आत्मा एक रूह ये होता है जो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में रह के अच्छे काम करता है, नेकी करता है, कैरेक्टर का अच्छा होता है, अमल का अच्छा होता है, बाकायदगी से इबादत करता है, धर्म के अंदर बराबर लेता है, दान सखावत करता है। अजीमा खुद एक्सप्लेन करते हैं, मिशनरी ऐसा जब शख्स मर जाता है तो लिसन अलवाइज मौला कहता है उसका रूह किधर नहीं जाता है, माफ कहता है, जैसा उसका रूह इस बॉडी में से निकला
इस शरीर में से निकला तो हाजरी मां ने इंग्लिश में कहा कि वो यूनिवर्सल सोल के अंदर चले जाता है। और फिर मौला फरमाते हैं इन अवर जमाती लैंग्वेज वी आर सेइंग असल में वासल हो जाना हाजरीमाओं के लिए। अपनी जमात की भाषा में हम इसको कहते हैं कि असल के अंदर वासल हो जाना। मिशनरी ऐसे लोगों के लिए न रूहानी मजलिस की जरूरत है, न कोई चीज रखने की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो अलवाइज मेरे को कहता है कहा तो मुझे भी, यानी मुझे चेहरे के मत एकदम एक्सप्रेशन आ गया कहीं हाजरी माम हंसे। हाजरी माम फरमाते तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? तो ये खुदा भी बोला कहता है मुझे पता है तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ। बोला कहता है कि वी डोंट नो। हाजरी माम कहते हैं जी, यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता, जमात को एड्रेस करते कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गया है वो असल में वासिल हुआ है कि नहीं। अलवाइज कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज, अगर ऐसी रूह असल में वासिल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार ही जाता है हाजरी मामे, वो वेस्ट ही जाता है। लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले के। वी डोंट नो। हाजरी माम कहते हैं जी, यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता, जमात को एड्रेस करते कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गया है वो असल में वासिल हुआ है कि नहीं। हाजरी माम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज, अगर ऐसी रूह असल में वासिल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार ही जाता है हाजरी मामे, वो वेस्ट ही जाता है। लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले को जाता है। 100% सवाब उसको, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम दलील दिया था ना कि भाई मुझे छोकरों मुके हलाए अमेरिका से पैसा हलाए तो ड्राफ्ट चलाए तो, पर हाँ वो पैसे वाला है मुके जरूर नहीं तो ड्राफ्ट रिटर्न करा तो बता पाछा कि भाई थोड़ी थोड़ी बैंक बैलेंस पे वधारो कर, तो ड्राफ्ट सब रिटर्न होते हैं वापस मेरी कैपिटल के अंदर। तो मौला ने कहा बेकार नहीं जाता है। और फिर शायद करते ये कौन सी आए, कोई कोई करे कमाई, मौला फरमाता है लेकिन अलवाइज दूसरे प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिसमें इस दुनिया के अंदर बंदगी करा नहीं करा, बंदगी करा नहीं करा, मौला कहता है दुआ पड़ा नहीं पड़ा, जमात खाने आया नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे आमाल होते हैं, शाह करीम के कुछ अच्छे काम होते हैं। तो मिशनरी वो असल में वासिल नहीं होता है, बंदगी अधूरी है ना, बंदगी अधूरी है, वो असल में वासिल नहीं होता है मिशनरी। लेकिन हाजरी इमाम फरमाते हैं दे आर इन वेटिंग लिस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर। मौलाना सरकार सुल्तान मूसा के कुछ फरमान मैंने अभी दोपहर को बैठे बैठे निकाले फरमान की किताब में से। फरमान की किताब ये पढ़ी है रूहानी राज, ये अभी लास्ट पब्लिकेशन है 84 का इंडिया एसोसिएशन का। अगर होवे आपके पास नहीं होवे तो मंगा लेना, इंडिया के अंदर है ये। और इसको बार बार पढ़ना इस बुक को, इतने खुलासे दिए हैं सुल्तान मूसा ने। मौलाना ने फरमाया पोतानो रूह असल मकाने पहुंचे तो सारू, એવું ના બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાય તથા પીવે તથા સૂવે। इसको मैं लेता हूं ये फरमान को, अभी सुनो। જે શખ્સ ની જિંદગી પૂરી થવા સુધી તેના દરેક ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય અને જેનો રૂહ રાત દિવસ ખુદા તાલા સાથે મિલાપ કરતો હોય, તેવા લોકો પોતાના હિંમતથી ઘણે ઊંચે દરજે પહોંચી શકે છે। ફર્સ્ટ ક્યાં આયા, જે પાક હોય, જેના ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય, જેનો રૂહ રાત દિવસ ખુદાવંત તાલા સાથે મેળાપ કરતો હોય, એ પોતાની હિંમતથી ઊંચે દરજે પહોંચી શકે છે। ફિર એક ફરમાન મેને નિકાલા, મોલા ફરમાતા હૈ કે તમે સગળા ઈમાનદાર મોમન છો, તેથી અમને સાચા મુર્શિદ કરીને સમજજો। તેથી તમે આ દુનિયામાં ગુનાથી પાક હશો, હકીકતી મોમન ગુનાથી પાક હોય છે અને આત્મતના પણ સુખી આબાદ હોય છે અને પોતાની કરેલી કરણીના ફળ એ આખરતમાં પણ લે છે।
પોતાની કરેલી કરણીના ફળ એ આખરતમાં પણ લે છે. મોલા કહેતા હે ઉસકી કરણી કે મુતાબિક ઉસકો વહાં ભી જગા મિલતી હૈ. ઓર ફિર શાહ કરીમ ફરમાતે હૈ અલવાઈ તુજે પતા હૈ વહાં ફિર ક્યા હોતા હૈ. નહીં ખુદાવી સુન, જો લોગ અસલ મેં વાસલ નહીં હુએ હૈ, જો લોગ રૂહાની દુનિયા કે અંદર હૈ, કુરાન મેં ઉસકો વર્ડ ક્યા દેને મેં આયા, બરઝખ. બરઝખ યાની એક એસી જગ્યા જહાં રૂહો કો રખને મેં આતા હૈ. મોલા ને ફરમાયા તો એસી રૂહો કે લિયે અલવાઈઝ આપ લોગ મજલિસ કરાતે હો, આદિમામ કહેતે હૈ જમાત ખાને મેં મજલિસ કરાતે હો, ઉસકે પીછે સબ ચીઝે રખતે હો, ઉસકે પીછે તસબીહ નિકાલતે હો. તો મોલા ને ફરમાયા વો ચીજ ઉસકો ઇતની હેલ્પ કરતી હૈ, ઇતની હેલ્પ કરતી હૈ. મોલા ફરમાયા કે વો ઉસકો પુશઅપ કરતી હૈ, ઉસકો આગે બઢાતી હૈ. ઓર ફિર શાહ કરીમ કહેતા હૈ કે આફ્ટર લોંગ ટાઈમ જબ ઉસકા દૂસરા પલડા બરાબર હો જાતા હૈ, તબ વો અસલ ચંદ્રવાસલ હોતા હૈ, ઓર વહાં વો અપની બંદગી પૂરી કરતા હૈ. કિતની જરૂરત હૈ બંદગી કી, દેનદાર કિતની જરૂરત હૈ. મોલા ને શાહ કરીમ રોશની આદરીમાં મુબારક નામ કે ઉપર સલવાત પર, આઈ પ્રે દેટ ધોઝ હુ પ્રેક્ટિસ બંદગી ગેટ સ્પિરિચ્યુઅલ હેપીનેસ એન્ડ પ્રિપેર યોર સેલ્ફ ફોર લાઈફ હિયર આફ્ટર. ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ઇસ્મે આઝમ યુ વિલ બી પ્રિપેર્ડ ફોર લાઈફ હિયર આફ્ટર. ધોઝ હુ ફરગેટ ધીસ બેઝિક ફેક્ટ they are committing a very great mistake. Phir Mola farmate hain, I emphasize that you must spend some time to prepare for life hereafter. Khana badan salwat pura Mola ki. Ab ye farman kya ge deta hai, kuch khulasa baki ki bangi zarur aaye kehna. Ye farman Shah Karim ka hai farman. તુમકો થોડા ટાઈમ તો દેના જ પડેગા તુમ્હારી જિંદગી મેં સે, કિસકે લિયે, તુમ્હારી ઉસ રૂહાની દુનિયા જો તુમકો સુધારની હૈ ના, મોલા કહેતા હૈ. ઓર હાજરીમાં ફરમાતા હૈ, જો લોગ યે ભૂલ જાતે હૈ વો બહોત બડે મેં બડી ગલતી કરતે હૈ, બડે મેં બડી મિસ્ટેક કરતે હૈ. મોલા ને ફરમાયા તુમ બડી મિસ્ટેક કર, બહોત બડી મિસ્ટેક કર. તો દૂસરી એક દુનિયા હૈ, રૂહાની દુનિયા હૈ. મોલા ને ફરમાયા કે વહાં ઉસકો મિલતા હૈ, લેકિન ટોપ લેવલ કા હમ લોગ ઉમેદ ના રખે ભાઈ, કુલા રૂહાની દુનિયા મેં અટકી વિંદે વૈસે ઇંગ્લિશ કે અંદર, પણ હિડા ચાન્સ આયે, અભી ચાન્સ હૈ. તો મોલા ને ફરમાયા કે સીધા એ બોડી મેં સે નિકલા, ઓર મોલા ને કહા કે ચલે ગયા, અલ્લાહ કે નૂર મેં વાસલ હો ગયા, યુનિવર્સલ સોલ કે અંદર. લાસ્ટ ઓક્ટોબર મેં ન્યૂયોર્ક મેં એક ભાઈ ગુજર ગયે, મેં તો એસે બહુત એક્ઝામ્પલ દેતા હું ના, જમા ભી કરતા હું. ઉસકા લડકા પુના મેં થા, જબ ભાઈ મર ગયે, ફાતમા ભાઈ ઉસકા નામ, ફાતમા વીરાની, उसके लड़के ने मेरे को बात किया. बात क्यों किया पता है कि मिश्री साहब वो सरप्राइज थे, तो के हिंदी भी थी मरी भी ने मारू, मेरे बोलता है बेचारा रोता भी था, बोले रूंझो इतने अच्छे थे बुझी माँ जी, आओ मजाक करिए थोड़ी. माँ फोन करती है वहां से बिफोर 10 डेज लड़के को पूना के अंदर, पूना में इसकी लड़की है, वो भाई बहन के पास आया था मिलने को. माँ फोन करती है, बेटा आने अच्छी भी नहीं जल्दी, તો કુવા એ માં જરા રોન દેના, બહુ વર્ષ પછી આવ્યા બેટા, તું અચ્છી બી તુજે બચ્ચે લોકો કે સમાર આણે આણે આવ, વધારે ટાઈમ નહીં મુદાઓ, બહુ જલ્દી હલી બીન મારી. તું બોલે આવ હસ્યો ફોન જે અંદર, કે મમ્મી હજી તું મેં છોકરી આ વ્યાહ કરના ને કરો, તું વિનંદી વાત કરી હતી, હજી મજાક ના કર. બિચારી બોલતી ના ના સચ્ચે સાથી, તું તું જેટલો બને એટલો જલ્દી હે. ઓર મેરે કો બોલતા હૈ કે 8 દિન કે બાદ, આપ તો 1 દેશ 2 કલાક કે પહેલે ફોન આયા, વહાં કા શામ કા ટાઈમ થા અમેરિકા કા 7 બજે કા. ઉસ દિન જમાત ખાલી નહીં ગઈ, સબ લડકીઓ કો ફોન કરી ઇન્ડિયા કે અંદર, એક લડકી ગોંડલ કે અંદર, એક પુના કે અંદર, લડકે કો ફોન કરી, સબ લડકી કે પાસ માફી માંગતી હૈ કે મેરે કો માફ કરના, આપણ મિલ નહીં સકે, કુછ ભૂલ ચૂક હો ગઈ હોવે વગેરે. લડકે કે પાસ માફી માંગતી હૈ, યે પુના કે અંદર લડકા હૈ, ઉસકે પાસ માફી માંગતી હૈ કે બેટા ભૂલ ચૂક માફ કરી, તો કે કેરાન કરીવા કે કી ભી હો બધો મુકે, તું શું ફોન દે માત્ર કે મમ્મી માફ કરા, તો બધો અરે ઓ બોલાવ મજાક કરા, તો મમ્મી ભી. और फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ बड़े लड़के को कहती है मुके थोड़ी दसोल भरण दिया, मुके पैसा दे, फौरन फिगर दिया बहुत बड़ा मेरे को डॉलर दिए. और फिर बहू को कहती है कॉफ़ी बनाए दे, तो बहू कॉफ़ी बना के लाए, कॉफ़ी बना के लाए ना,
तो बोलती है ना हने हने नहीं पीने, अरे मम्मी कुलाए ना हने दसों छड़ी बिन्नी टाइम अच्छी गया, और बोले न्याज दो न्याज भी सोई लगे भी नहीं अपने हाथ से, बस वो पाँव लंबे कर याद चादर यहाँ तक चढ़ाई, बस सस भी आती फिरती थी, ओह निकल गई। दो घंटे के बाद वो पूना में लड़के को बड़ा भाई फोन करता है कि मम्मी मम्मी हली निकल गया गुजर गया, वो शौक हो गया एकदम कि खुरो बात करते, बोले ये बस मम्मी पतले कलाक पहले गुजर गया। वो बोलते मिस्त्री ऐसी भी बात हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जिंदा मोहन मस्ताना सीज है वो ऐसे आ आ शरीर माथी छूटियो ने आ केक खाना माथी मोला कहता है तो सीज हो ए खुदा ना नूर ने अंदर वासल थे थी कोई जन सूता कोई जन जागे अने कोई कोई करे कमाई कमाई वो हाई लेवल की कोई कोई करे कमाई बाकी जागे ने लोग हैं हाँ करनी खपे हाँ बंदगी तो बाकी ये बंदी दाखला तो नहीं लेते हो बंदगी करनी खपे फिर वरी थोड़ा दिन आवे वरी सुस्ती चढ़ी आवे कंटाड़ो से सुबह के दिमाग खाना खा दे ना वरी कोई अलवाइज आवे बंदगी करनी खपे ये जागे ले जिंदा पर एक्शन में नहीं अमल में नहीं करनी खपे जागृति है पर एक्शन नहीं अमल नहीं जिंदा अने कोई जन सूता बोला कहते शाह करीन कहते मिशनरी तेरे को पता है थर्ड टाइप ऑफ सोल हरिमाम तीसरा प्रकार का आत्मा इसलिए पता है कैसा है वो हरिमाम कहते हैं अलवाइज दे आर लोअर सोल अंग्रेजी में लोअर सोल नीच प्रकार ने आत्मा हो नीच प्रकार ने आत्मा मौला ने फरमाया खाते हैं पीते हैं दुनिया में अय्याशी करते हैं ऐश आराम करते हैं अल्लाह को याद नहीं करते हैं गुनाहों में जिंदगी बसर करते हैं अमल नहीं अने कोई जन सूता बोला कहते शाह करीन कहते मिशनरी तेरे को पता है थर्ड टाइप ऑफ सोल हरिमाम तीसरा प्रकार का आत्मा इसलिए पता है कैसा है वो हरिमाम कहते हैं अलवाइज दे आर लोअर सोल अंग्रेजी में लोअर सोल नीच प्रकार ने आत्मा हो नीच प्रकार ने आत्मा मौला ने फरमाया खाते हैं पीते हैं दुनिया में अय्याशी करते हैं ऐश आराम करते हैं अल्लाह को याद नहीं करते हैं गुनाहों में जिंदगी बसर करते हैं अलवाइज ना तो वो असल में वासिल होता है न स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जगह मिलती है बट दे आर टेकिंग रीबर्थ इन वन और अदर फॉर्म। यहां मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान दिया मौला ने फरमाया के पोतानो रू असल मकाने पहुंचे तो सारू एवू न बने के रू अहियां ज रही जाए अने ढोर माफक खाए पीवे थता सूए ढोर माफक हैवान की जिंदगी आया आया कभी बरस में एक टाइम जमात खाने का राउंड मार लिया मगर उसमें भी नीति कैसी जरा बड़े बड़े लोग सब बिजनेस की गाल बोलती है जरा गाली बोलते मिलना नहीं ना वो बिजी है बता दिलदारो ऐसी साहब से बाकी गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर करते हुए गुनाहों के अंदर मौला ने कहा कभी खुदा को याद नहीं करते हैं कभी अल्लाह को याद नहीं इसलिए मौला ने शाह करीन ने कहा मैंने कहा कि स्पेंड करो थोड़ा टाइम तो तुमको देना पड़ेगा इबादत के लिए वो रूहानी दुनिया की तैयारी के लिए वो रूहानी दुनिया की तैयारी मौला ने कहा दे आर टेकिंग रीबर्थ इन वन और अदर फॉर्म। तो मैंने आपको कहा अर्ज किया कि सिर्फ अपने कुल हमको बता सकता है कि रूहानी दुनिया के अंदर आत्मा कहाँ जाता है उसका क्या होता है उसको रूहानी दुआ का कैसा असर होता है। बाकी इंसान तो अल्लाह ने फरमाया कि एने अरे एने तो बहुत लिमिटेड नॉलेज आपवामां आव्युं छे एने तो बहुत थोड़ू ज्ञान आपवामां आव्युं छे। मैं कैनेडा के टूर के ऊपर था ना एक भाई ने बहुत अच्छी दुआ पढ़ाई मैंने तलफुज उच्चार बहुत अच्छे थे मैंने कहा मुखिया भी दुआ केर पढ़ाई तो कहा कि सारो थी छोया पूछया कि मारू साथ मिलो तो बार आफ्टर सब जमात का काम का रिफ्रेशमेंट था तो मेरी मुलाकात करे नाम बोलता हूँ हिसाम हिसाम उसका हिसाम मिश्री साथ से मिलो याली मोला ली तुम्हारा सब बात बताओ अलवाइज को मेरे सब मेरे कहता है भाई कहता है मिश्री से मैं ओरिजिनल इस्माइली नहीं बोले नहीं तो कभी बनी इसमें भी बोले 9 साल हुआ 9 बरस हुआ है इसमें से बनाए इस्माइली तो कहा कि सुन्नी फिरके में से
सुनी से, सुनी सेट में से कौन सा सेट? सुनी में चार बड़े हैं ना, हनुफी, हम्बली, मालकी, साफी। बोले इसी सेट मैं शाफी सेट में चाहता हूँ, शाफी सिलसिले में से। मैंने क्वेश्चन किया, इसकी बातें मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने क्वेश्चन किया, क्या क्या आपको इसमें लगा, क्यों आप दाखिल हुए इस्माइली धर्म के अंदर, ये फिरके में क्यों आए आप? तो कहता है लिसन, मेरे घर की एक भी एडिशन नहीं करता हूँ। कहता है ये रंग है ना, ये रंग इस्माइली धर्म का सबको नहीं लगता है, सबको नहीं लगता है, जो नसीब वाला हो ना उसको लगे। और फिर कहता है अलवाए, मेरे बाप दादो ने जरूर कोई अच्छी नेकी की होगी, इसके लिए मेरे को ये सिरका मिला, ये धर्म मिला। और कहता है अलवाए, हम क्या थे, हम तो रस्ते की झूठ जैसे भी नहीं थे हमारी कीमत, लेकिन मौला ने हमको कबूल, आंख में से आंसू निकलते गए कि मौला ने हमको कबूल कर लिया। मुझे कहता है काउंसिल ने हमको धक्का बहुत खिलाया इस्माइली बनाने को, मौला का हुक्म है, काउंसिल ने हमको धक्का बहुत खिलाया, बहुत सवाल किए। बोले एक टाइम मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सवाल किया कि तुमको पता है आप जिसको जकात बोलते हो हम लोग उसको दसोन कहते हैं, हम लोग दसोन जो है वो हमारे हजरत इमाम को देते हैं। तो बोले मिसी साहब, मैंने प्रेसिडेंट साहब को जवाब दिया कि ये तो इस्माइली बनूंगा बाद में ना। बोले हाँ, मगर ये भी तेरे को नॉलेज रखना चाहिए। तो बोले प्रेसिडेंट साहब, मैं तो बहुत टाइम से दसोन निकालता हूँ, बहुत टाइम से। तो बोले वो जरा घबरा गए, बोले क्या बात करता है? बोले नहीं, जमात खड़े में नहीं डालता हूँ, मैं जमा करता हूँ मेरे घर में, क्योंकि अगर मैं दसों नहीं निकालूंगा तो मेरी बेगम ने हम लोग खाना कैसे खाएंगे, उसकी वाइफ इस्माइली। तो बोले कि दसों तो पहले से मेरी इनकम अलग है, मेरी वाइफ की अलग है, लेकिन हमारी दोनों की उसकी दसों वो जमात खाने में डाल देती है, मेरी दसों घर में जमा होती है, और जब भी आप मेरे को बनाएंगे मैं सब दसों डाल दूंगा जमात खाने के अंदर। और फिर कहता है अलवाइज, मौला ने शाह करीम हुसैनी हाजरी इमाम की पदराम में हुई कैनेडा के अंदर, हाँ उसको बना लिए लंदन में, वो इस्माइली बना। बोले मेरे को पास किए, मेरी अर्जी कबूल किए, मेरे को लंग जमात खाने के अंदर छांटा मिला, मेरी बैयत हुई। मैंने हाजरी इमाम को देखा नहीं था, हाँ मूवी में देखा था, फोटोज देखे थे पेपर वगैरह के अंदर, लेकिन ऐसा फिजिकली मैंने हाजरी इमाम को नहीं देखा था। 78 में बोले हाजरी इमाम आए यहाँ पर कैनेडा धार्मिक कामकाज के लिए। मुझे कहता है अलवाइज, फर्स्ट दीदार, जाहिर दीदार, दीदार के बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया। कहता है मिस्त्री, पहला दीदार हाजरी इमाम का, और मैं इस्माइली बनने के बाद मैं पहली मर्तबा हाजरी इमाम को देखने वाला हूँ। मुझे कहता है मुसलमान तो मैं था ही पहले से, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना, अरे ये बहुत बड़ा दर्जा है। बोले मुसलमान तो मैं था ही, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना बहुत बड़ा दर्जा है। कहता है कल दीदार है, शाम को धार्मिक कामकाज है, अगली रात को मेरी बेगम के साथ बात करता हूँ कि हाजरी इमाम को क्या प्रेजेंट दूँ। फर्स्ट दीदार उसका चेहरा देखूंगा, कुछ मेरे को हाजरी इमाम को गिफ्ट देनी है, कुछ मेहमानी देनी है, मैं क्या दूँ? तो बोले मेरी वाइफ बोलती है सोने की एक चेन है अपने पास, नदी है एकदम, वो दे दे। तो मैंने कहा ना ना वो नहीं देनी। तो बोले रिंग दे दे। बोले नहीं ये सब नहीं। तो बोले चेन का सेट दे दे। तो मैंने कहा वो भी नहीं देना, ये सब मटेरियल चीज मत याद कर, ये तो देने वाले बहुत हो गए हाजरी इमाम को। तो बोले बस मेरी वाइफ सब ये याद करती है कि सूट का पीस देवे नहीं, ये देवे नहीं। मैंने कहा बापा ये। तो बोले थक गए बेचारे कि तुमको जो चाहिए हो दे, मैं तो थक गए। बोले मैं जाती हूँ। और बोले मेरे को रोज सुबह उठाने की प्रैक्टिस करा दी थी उसने, उसको चांस भी मिला एक बार, उसे बैतूल साल का मुखी भी बना था वहाँ। मैं कहते उठाने की प्रैक्टिस थी अचानक, मैं बस मौला के पास दुआ मांगता हूँ, खुदा भी क्या दू तेरे को, मेरे को कुछ याद दिलाने। और अचानक मेरे को याद आया कि मैं क्या दू हाजरी इमाम। और मेरी वाइफ को बुलाया, बेगम जल्दी आ। बोले बोलो क्या है? बोले याद आ गया। बोले क्या? तो बोले सुन, इसी मोमेंट पे मैं हाजरी इमाम को मेहमानी देता हूँ। कौन सी मेहमानी? तो कहता है मैं हाजरी इमाम को मेहमानी देता हूँ कि या हाजरी इमाम, इस्माइली बनने के बाद मैं कल तेरा पहला जाहिरी दीदार करूंगा, और मेरी मेहमानी कबूल कर कि आज 17 बरस से मैं सिगरेट पीता हूँ, ये सिगरेट की आदत मैं छोड़ देता हूँ। ये मेहमानी हाजरी इमाम को। उसकी वाइफ तो उसको बोल बोल के थक गई थी बहुत टाइम, इतनी खुशी हुई। बोले मेरी वाइफ के आंसू में खुशी के आंसू आ गए। सुबह को जमात खाने गए, नियाज किए, मुफ्ती साहब के पास जाके ने ये कन्फेस किए, और फर्स्ट टाइम सुबह को दीदार था। मैंने कहा कैसा लगा तू पहला मर्तबा देखा? तो बोल नहीं सका, उसका भी भर के आया गला, बोल नहीं सका। बोले कांस है अलवाइज,
बोल नहीं सकता हूँ कि क्या मेरे को फील हुआ, मैंने क्या देखा उसके अंदर, मैं तेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर बोले शाम को धार्मिक कामकाज है, हाजरी माम महादेव का छांटा डालने वाले थे, तो मेरी वाइफ मेरे लिए कार्ड लेके आई थी, खुद तो छांटा डला ली थी, मेरे लिए कार्ड लेके आए। मैंने पूछा भाई काहे का, तो मेरे को एक्सप्लेन की कि महादेव का छांटा क्या काम आवे वगैरह। तो मैंने भी शाम को मैं छांटा डलाने गया, तख्त पे बैठा है, लाइन लगी हुई है उसके सामने, हाजरी माम पानी में हाथ डालते हैं, फरमान 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 छांटा डालते हैं और कुछ बोलते हैं कान के अंदर, सब लोग निकलते जाते हैं। मेरी बारी आई, मैं दो हाथ जोड़ के अग्रिमाम के सामने खड़ा रहा, मैं आँख बंद किया कि अभी छांटा पड़ेगा, लेकिन छांटा नहीं पड़ा। हाजरी माम का आवाज़ आया हिंदी के अंदर, शाम आँख खोलो, मैंने आँख खोली, हाजरी माम कहते कम नियर नज़दीक आओ, मैं नज़दीक गया, अपना हाथ ठंडे पे रखा, मुँह कान के पास लेके आए और मुझे कहते हैं शाम आज सुबह तुमने मेरे को एक मेहमानी अर्पण की है ना, मैं तेरी वो मेहमानी कबूल करता हूँ। हाजरी माम शाम मैं तुम्हारी मेहमानी कबूल करता हूँ। बोले मैं तो ऐसा शौक हो गया, तो एकदम शौक होता था, बोला कहता है पेशेंस रख सबूल रख, तो समझा मैं क्या बोला, बस तेरी मेहमानी मैं कबूल करता हूँ। फिर छाटा दिया, फरमान फरमान फरमान, बहुत दुआ से बहुत गुना माफ बोला, बट डोंट रिपीट नहीं करना है ताकत। वो 120 खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, है ताकत ये मेहमानी देने की? हाँ है, छोड़ो 120 340 को, मैं आपको नंबर बताता हूँ, वो नशा लो बहुत हाई है, बताओ कौन सा, 786 और 110, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और 110 या अली, वो नशा लगा लो हा? और फिर देखो है ताकत, अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों वाय पता नहीं, फरमान निकाला दूसरे को, इसी किताब के अंदर है हाँ, मौलाना सरकार सुल्तान मूसा का मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। मोमन मानस एवो काम नहीं करे, मैं आँख बंद किया कि अभी छांटा पड़ेगा, लेकिन छांटा नहीं पड़ा। हाजरी इमाम का आवाज़ आया हिंदी के अंदर, शाम आँख खोलो, मैंने आँख खोली, हाजरी इमाम कहते कम नियर नज़दीक आओ, मैं नज़दीक गया, अपना हाथ ठंडे पे रखा, मुँह कान के पास लेके आए और मुझे कहते हैं शाम आज सुबह तुमने मेरे को एक मेहमानी अर्पण की है ना, मैं तेरी वो मेहमानी कबूल करता हूँ। हाजरी इमाम शाम मैं तुम्हारी मेहमानी कबूल करता हूँ। बोले मैं तो ऐसा शौक हो गया, तो एकदम शौक होता था, बोला कहता है पेशेंस रख सबूल रख, तो समझा मैं क्या बोला, बस तेरी मेहमानी मैं कबूल करता हूँ। फिर छाटा दिया, फरमान फरमान फरमान, बहुत दुआ से बहुत गुना माफ बोला, बट डोंट रिपीट इट फादर, डोंट रिपीट इट, रिपीट नहीं करना है ताकत। वो 120 खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, है ताकत ये मेहमानी देने की? हाँ है, छोड़ो 120 340 को, मैं आपको नंबर बताता हूँ, वो नशा लो बहुत हाई है, बताओ कौन सा, 786 और 110, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और 110 या अली, वो नशा लगा लो हा? और फिर देखो है ताकत, अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों वाय पता नहीं, फरमान निकाला दूसरे को, इसी किताब के अंदर है हाँ, मौलाना सरकार सुल्तान मूसा का मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। मोमन मानस एवो काम नहीं करे, मोमन मानस एवो काम नहीं करे के ते दारू पिए के तंबाकू पिए ते तो नहीं पिए, ते तो नहीं पिए, ते जेर होवा थी तेना थी दूर ज रहे, तेना थी दुनिया अने आखरत बनने नी अंदर नुकसान थाय छे, खाली दुनिया में नहीं, मत समझना के खाली फिजिकल नुकसान होता है, मौला कहता है कि याद रखो आखरत नी अंदर पण तमने नुकसान थाय छे, आखरत नी अंदर पण। अरे कैसी सिली दलील करते, पता है हाजरी माम कीधा छोया है के तीनू ना, हाजरी माम तो छोया है कि आंजे हेल्थ के नुकसान करे ने ई करे ने अने वधारे पीजे तो नुकसान आए वगैरह वगैरह। ओहो मैं तो कहूँ कि खुदाया अरे मने जोईने ए हसू आवे छे के तारा बनावेला जे तने बनावे छे,
કે મને જોઈને હસવું આવે છે કે તારા બનાવેલા આજે તને બનાવે છે. મોલાના શાહ કરીમ રોશે ની હાજરીમાં મુબારક ના તે સલવાત પડો. દો ફરમાન લાયા હું, દો ફરમાન. એક તો ન્યૂઝ પેપર કે અંદર આયા હૈ, ઉસકી કોપી છે તો નિકાલ લેના. કાઉન્સિલ ને ઓફિશિયલી નિકાલા હૈ, પાકિસ્તાન કી કાઉન્સિલ ને, કરાચી કી કાઉન્સિલ ને. ક્યા લિખા હૈ પેપર મેં, ન્યૂઝ પેપર મેં, ડોન ગુજરાતી લિખેલા હૈ કે હુંજા અને ચિત્રાલ અને ગિલગિટના ઇસ્માઇલીઓએ નામદાર આગા ખાનના ફરમાનથી છોડી દીધેલા સિગરેટ અને શરાબના વ્યસનો, નામદાર આગા ખાનના ફરમાન પર ચુસ્ત અમલ, નામદાર પ્રિન્સ કરીમ આગા ખાનની હિદાયત ઉપરથી ચિત્રાલ હુંજા અને ગિલગિટના એમના મુરીદોએ સિગરેટ પીવાનું બંધ કરી દીધું છે, શરાબ પીવાનું છોડી દીધું છે અને આ કારણે એમની સામાજિક હાલતમાં સુધારો થયો છે. ઘણા ઇસ્માઇલી વેપારીઓએ સિગરેટ ખરીદવાનું કે વેચાણ કરવાનું પણ પોતાની મેળે મૂકી દીધું છે. ઘણા ઇસ્માઇલી વેપારીઓએ સિગરેટ ખરીદવાનું કે વેપાર કરવાનું પણ પોતાની મેળે જ મૂકી દીધું છે. વેપારમાં સતગુરુ કરે હારે ધર્મ તે સાચો ઈમાનનો અને તે ઈમાની સાચો જાણ. અરે જો ઈમાન લાવશો ફરમાન સો તો દાસ ઈમાનદાર કી નિશાની. તમે ફરમાન પે જો તમે અમલ ક્યાં ને વો તુમ્હારી ઈમાનદારી કી નિશાની. કોશિશ કરો, કોશિશ કરો. મૌલાના સુલતાન મુશાને ફરમાયા કે શેતાન તમને બહુ હેરાન કરે ને, બહુ જ તમને તકલીફ આપે ને. તો મૌલાના સુલતાન મુશાને ફરમાયા કે તમે યાદીનું નામ યાદ કરો. વલ્લા તમે બચશો, વલ્લા પ્રેક્ટિસ કરો. કદું વલ્લા મોલા કહેતા તમે બચશો. તમે બહુ બહુ શરાબ પીવા માટે તમે એ કરે ને, સિગરેટ પીવા માટે તમે યાદીનું નામનું જિક્ર કરો. છેલ્લે મેં મૌલાના કરીમ આઝમ કા ફરમાન દો. મેં સર આ ફરમાન ચેક કે શાયદ યે ફરમાન નહીં હૈ આપની ફાઇલ કે અંદર. આઝમ ફરમાતે હૈ અમોએ દરેક પ્રકારની આદતોનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ, જેમ કે શરાબ તથા તંબાકુનું સેવન કરવું એ પીવું, અને બીજી આદતોથી અમો અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને દૂર રહેવાનું અમે ફરમાવીએ છીએ. અભી એક છોટા પેરેગ્રાફ હૈ, બહુ બહેતરીન. મોલા ફરમાતા હૈ કે અમે ફરમાવીએ છીએ કે એ આદતો તંદુરસ્તી ઉપર નુકસાનકારક અસરો ઉપજાવે છે. અગર તમે શરાબ અને તંબાકુનું સેવન વધુ સમય સુધી ચાલુ રાખશો તો તમારા મગજને એવું ભયંકર નુકસાન પહોંચાડશો કે જેમ જેમ તમે મોટા થતા જશો ત્યારે તમારા કુટુંબ તથા તમારા બાળકોની સંભાળ રાખવા માટે તમે બિલકુલ વીક અને અશક્ત થઈ જશો. અમે માનીએ છીએ કે તમારા મગજને આ મુજબ અશક્ત કરવો એ એવા પ્રકારની બેવકૂફી અને મૂર્ખાઈ છે જેમ પોતાનો જમણો હાથ કાપી નાખો. આ બંને મૂર્ખાઈઓ એક સરખી જ છે. આજે અમે તમોને ફરમાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે શરાબનો નશો અને તમાકુના સેવનની બાબતો આવે તો તેનાથી દૂર રહો. એ કારણે નહીં કે ફક્ત કુરાનની અંદર નશારૂપ વસ્તુઓના સેવનની મના છે, પરંતુ આ આદતો તબીબી દ્રષ્ટિએ તંદુરસ્તીને નુકસાન કરતા છે અને તેના પરિણામો ભવિષ્યમાં એવા આવશે કે જે સંભાળી સુધારી ન શકાય. એક વખત અગર તમે તમારા મગજને નુકસાન પહોંચાડ્યું તો કોઈ પણ માનવ દવા દુનિયામાં એવી નથી કે જે તેને ક્યોર કરી શકે, સ્વસ્થ કરી શકે. એથી કરીને દુનિયાભરના અમે રૂહાની બચ્ચાઓને અમે ફરમાવીએ છીએ કે આ નુકસાનકારક આદતોથી તમે બને એટલા તમે દૂર રહો. મેરે તો એ જબ પોશન ઉસને સુનાયા ના કેનેડા વાલે ભાઈ ને, મેં વો કહેતા હૈ મિશ્રી સાહેબ ઇતના મેરા દિલ ભર કે આયા, ઓર જબ મેં ઘર પે આયા ને તો મેરી વાઇફ બોલતી હૈ ક્યા હુઆ. તો મેને ઉસકો એક્સપ્લેન કિયા કે બસ યે મેં સર હું. મૌલાના હાજરી મામ ને મુજે કહા કે મેં તેરી મહેમાની કબૂલ કરતા હું. ઉસકી વાઇફ કી બહોત રહી, બોલે મેરી વાઇફ ઇતના ઉસકો ખુશી કા ઇતના શુકરાને કી તસ્વી નિકાલી કે મૌલા તેરા લાખ શુકરાના. યે ચીજ ચાહતા હૈ મૌલા દિનદાર, તું સ્પેશિયલી અપ્લિસમેન્ટ, જિંદગી કા કોઈ ભરોસા નહીં હૈ. મેને કહા ના હર વાઇફ કે દેખો કોઈ ભરોસા નહીં, કાચી માટી ના ઘાટ ગડુલા ફૂટતા ન વાગે રણક્યો.
जब तक हाथ में समय है, टाइम है, अपनी लाइफ को सुधारो, थोड़ा मस्जिद की तरफ ख्याल रखो, थोड़ा बंदी की तरफ ख्याल रखो, तो मौलाना हाजी इमाम हम जुमला जमात को खुशी सलामत और आबाद करेगा। या मौला हकीकत में समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातिनी गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने आने की आला शक्ति हिम्मत और प्रेरणा देना, या खुदा हाजिर इमाम जिससे तू राजी हो गए ऐसे नेक काम हमारे से तू हमेशा कराना, या मौला जल्द जाहिर चिंता साहते तेरे जाहिरी और बंदी में बातिनी गुनाह नसीब करना।